मिश्रा जी हैं यूपी से, स्वागत है आपका। हेलो हेलो, हाँ जी जी सर, सवाल करिए। मम्मी जी हैं, उनके पैर में दर्द रहता है। उम्र कितनी है उनकी? हाँ जी सर, उम्र बता दीजिए। टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर लीजिए। 35 है हम जी। तो देखिए, पैरों में, घुटनों में, कमर में, कहीं भी दर्द हो, एक रॉ मटेरियल जिसकी जिम्मेदारी आपकी है कि वो असली खरीद लें। आजकल मैं देख रहा हूँ जगह जगह पर लोग उसको नकली दे रहे हैं, और उसको कहते हैं गोंद स्याह। स्याह कहते हैं काले गोंद को। अच्छा, हम जाते हैं दुकान पे तो लोग एक काला सा गोंद तो दे देते हैं, लेकिन वो गोंद स्याह नहीं होता, बल्कि वो एलवा होता है। एलवा चमकता है शीशे की तरह। तो गोंद स्याह लेना है, असली लेना है। अगर आपको ये चाहिए कि कैसा होता है, तो मेरे फेसबुक या यूट्यूब पेज पर हकीम सुलेमान खान को पर देखें, गोंद स्याह कैसा होता है। सर्च करें, आप बच्चे हैं, ज़रूर सर्च कर पाएंगे। और ये खरीद लें, 100 ग्राम, बस 1 ग्राम मिलता है 15-16 रुपए का। और 1 ग्राम एक दिन में 2 बार खाना है, आधा आधा ग्राम करके। ये एक रॉ मटेरियल है, कच्ची दवा है, गोंद है, गोंद स्याह इसे कहते हैं, काला गोंद भी कहते हैं। असली ले लें, आधा आधा ग्राम मम्मी को नाश्ते के बाद और खाने के बाद 1 चम्मच शहद में मिलाकर खिला दिया करें, नाश्ते के बाद और खाने के बाद। ये 100 ग्राम ख़त्म नहीं हो पाता कि आदमी का अच्छा होना मुमकिन है। असली लें और फ़ायदा उठाएं, और मम्मी का ऐसे ख्याल रखें, उनको फ़ायदा मुमकिन है जी। हरियाणा से हैं नीलम जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार मैम। सर मेरा ना लड़का है, वो क्या नाम है, 17 साल का है, उसकी उम्र मतलब लंबाई नहीं बढ़ रही। और दूसरा सवाल ये है कि मेरी ना एड्डी के अंदर पिंगी निकलवाई थी, तो बहुत ज्यादा उसकी वजह से ना बहुत ज्यादा वीकनेस होगी, 7-8 साल होगा, ऑपरेशन बोल दिया था, तो सारी नसें कमजोर होगी और उठा बैठा बिल्कुल नहीं जाता। ठीक, देखिए बच्चे के पास शायद 1 साल है लंबा होने के लिए। नर बच्चे 18 साल तक, 20 साल तक भी बढ़ते हैं। वैसे 18 साल अच्छी, 17 साल अच्छी उम्र में आपने फ़ोन किया, और भी पहले करते तो बहुत अच्छा था। एक आता है गोंद मोरिंगा सफ़ेद, याद रखें, असली लेना है, गोंद मोरिंगा लेना है, सफ़ेद वाला ही लेना है। ये बर्फ़ी जैसे रंग का होता है, जैसे मिठाइयों में बर्फ़ी होती है, लेकिन सफ़ेद वाला ही लेना। कोई पीला सा देने लगे नहीं लें, कोई लाल रंग का देने लगे नहीं लें, असली जो होता है वो गोंद मोरिंगा सफ़ेद होता है। तो 1 ग्राम रोज़ाना पानी में मिलाकर, दूध में मिलाकर, या नारियल पानी में मिलाकर के साथ आप 1 ग्राम बस खिला दिया करिए बच्चे को। बच्चे को इससे 3 फायदे हो सकते हैं, उसकी लंबाई में फ़ायदा, और उसके बालों के लिए, महिलाएं भी ले सकती हैं, और अगर किसी को मुहासे या पिंपल्स जिन्हें कहते हैं वो निकलते हैं, इन 3 चीज़ों में काफ़ी फ़ायदा करता है। और आप के लिए एक और गोंद आता है, जिसे गोंद स्याह कहते हैं। स्याह कहते हैं काले को, इसे आसान भाषा में काला गोंद भी कह सकते हैं। गोंद स्याह या काला गोंद, ये भी असली लेना ज़रूरी है, इसमें भी बहुत नकल आती है, इसलिए कह रहा हूँ कि आप कहीं नुकसान ना उठा लें, इसलिए बार बार कहना पड़ता है असली लेना ज़रूरी है। गोंद स्याह आप लें, और आधा आधा ग्राम आपको 2 बार खाना है, नाश्ते के बाद आधा ग्राम, ऐसे पाउडर बना लें, ये कच्चा रॉ मटेरियल है, कच्ची दवा कहते हैं इसे। गोंद की शक्ल में चिपकता बहुत है, इसलिए पाउडर बना लें, और आधा ग्राम
एक चम्मच शहद में मिला के खा लें नाश्ते के बाद, और ऐसे ही आधा ग्राम रात को सोते समय। ये अगर आप लगातार खाते हैं तो आपकी भी परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, जो लोग गौन सी और गौन मोरिंगा का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो हमारा इम्यूनिटी बूस्टर है चिलगोजा गौन, अगर वो उसका भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इन तीन गौंदों का इस्तेमाल एक साथ किया जा सकता है? हाँ, देखिए तीनों को एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि गौन मोरिंगा एक ग्राम खा सकते हैं एक बार में, और गौन सिया आधा आधा ग्राम पूरे दिन में दो बार खा सकते हैं, और गौन चिलगोजा सिर्फ एक चुटकी 24 घंटे में एक बार ही खा सकते हैं, क्योंकि दुनिया का बहुत तेज तरीन गौन है और इम्यूनिटी के लिए अच्छा काम करता है। तो बिल्कुल दर्शकों, देखिए सवाल मेरा इसीलिए था क्योंकि जितने भी गौन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं हकीम साहब, जिनसे नुस्खे बनाए जाते हैं, वो सभी बहुत तेज़ हैं और सबसे ज़्यादा तेज़ है चिलगोजा गौन। तो संभल के इसका इस्तेमाल कीजिएगा। कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है हकीम साहब ने आपको बता दिया है, तो हर एक बात को अच्छे से समझ लीजिए, लिख लीजिए, कोई चूक मत कीजिएगा। अगले कॉलर हैं हमारे साथ, प्रिया, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। नमस्कार प्रिया जी, स्वागत है। सर मुझे आपसे पूछना था, सर मेरे कई दिन से मैं नोटिस कर रही हूँ मेरे आईब्रो के बाल टूट रहे हैं, समझ के दिन के 6-7 बार टूट जाते हैं, जैसे मैं हाथ लगाती थी 6-7 बार टूट जाते हैं। सर मुझे इसके लिए नुकसान पूछना था, ये किस मतलब कि किस कारण हो रहा है ये? अच्छा सर, मैं बालों के लिए मैं गौन मोरिंगा ले रही हूँ सफेद, बाल भी मेरे से टूट रहे हैं, उसके लिए तो मैंने गौन मोरिंगा लिया हुआ है सर, पर अब आईज के बाल, आईब्रो के बाल क्यों टूट रहे सर, वो मुझे पता नहीं चल पा रहा सर, उसके लिए कोई नुस्खा बता दिए। सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि सर जो पीरियड का पेन होती है और उसके लिए कोई नुस्खा बता दो। पहचान गए आप क्या कह रहे? जी जी, डेट्स में जो पेन होता है उसके लिए नुस्खा। अच्छा देखिए, एक नुस्खा आप ले लीजिए, सिरका आता है कलौंजी का, कलौंजी का सिरका 2 चम्मच छोटे चाय के चम्मच 1 गिलास पानी में डालें, और उसमें 1 चुटकी सोडा, खाने का सोडा जो आपके किचन में यूज़ होता है, मीठा सोडा भी कहते हैं इसे, 1 चुटकी डालें और रात को सोते समय पी लिया करिए। ये आपकी दोनों परेशानियों के लिए है। और किशमिश खाया करें, मुनक्का खाया करें, अंजीर खाया करें, ये जो ड्राई फ्रूट है ये, और अपने खाना पीना पौष्टिक करें तो आप तंदुरुस्त हो सकती हैं। जी मुंबई से हैं हरि गुप्ता जी, स्वागत है आपका। हेलो जी सर। हेलो, हमारे 3 सवाल है मैडम। जी सर बताइए। क्या है कि हमको हवा बहुत खुलता है और पास आता है, दिन भर ऐसा होता है, तो वो क्या है? आपका नमक जो है, ये धनिया है ये सब खाते हैं। हाँ जी, हेलो जी जी सुन लिया, और क्या सवाल? और मेरे औरत का क्या है? टीवी मत सुनिए आप, हमसे बात करें फोन पर। हाँ तो क्या है कि वो धनिया और ये सब खा रहे हैं हम। आगे बोलिए, औरत का क्या है? औरत को क्या है, वो सिया खा रहे, पूरा बदन में 3-4 महीने से दर्द है, मगर उनको आराम नहीं हो रहा है। गोली छूट गई उनकी, जो दर्द की गोली खाते थे वो अभी खाती है या छूट गई? हाँ दर्द की गोली खाते, गोशिया भी 2 बार खाती है। रोज खाती है दर्द की गोली? हाँ दर्द की गोली जो पहले खाती थी अब छोड़ दी या खाती है? खाती है। तो देखिए इतने दिन में फायदा होता है, आप उनसे फिर से पूछें कि कितनी कम हो गई है दर्द की गोली। 3-4 महीने तो बहुत है इसके लिए, तो अगर जो मैंने एहतियात बताई है उस पर अगर अमल नहीं कर रहे तो वो भी कराएं, जैसे मैंने कहा है कि वेस्टर्न टॉयलेट
ज़रूरी है और आपके लिए जो झाड़ू पोंछा या वज़न उठाने का काम बिल्कुल ना करें, और अगर उनको कुछ फ़ायदा है तो लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो नुस्खा खा रहे हैं उससे गैस पास हो रही है तो बहुत अच्छा है, और एक चम्मच अरंडी का तेल जिसे कैस्ट्रोल ऑयल कहते हैं मेडिकल स्टोर पर मिलता है, आप रोज़ाना पिए एक छोटा चाय का चम्मच, और उस पर खूब गरम गरम चाय या पानी पी लें गरम, तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा मुमकिन है जी। हिमाचल से हैं चित्र राम जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर। मेरे को जी पहले दो रहे आपसे थे, ये 6 महीने दवाइयां खाते हो गए, तो उसके बाद दवाइयां तो अभी थोड़ी बदलने होगी सर। हेलो मैम जी जी, क्या दिक्कत बता रहे हैं आप? मेरे को मिर्गी के दौरे आते थे, मेरा मुख्य वाला जबड़ा छोटा हो जाता था, ठीक है, और उसके बाद अब ठीक थोड़ा ठीक है, पर वीकनेस और सिर में बहुत ज्यादा पेन रहता है, तो आप बता है सारी प्रॉब्लम हो गई है जी। अच्छा, हमारा कोई नुस्खा ले रहे हैं आप क्या? सर आप कोई नुस्खा अपना रहे हैं हकीम साहब का? जी अभी तो बहुत हो गई है दवाइयाँ, तो मेरी वो ताकत की दवाइयाँ दे रहे हैं मेरे बॉडी, तो उससे मेरे को लगता है कि मैं कुछ 6 महीने खाते हो गए। हाँ जी। अच्छा देखिए, सबसे अच्छा दौरे या मिर्गी का इलाज एलोपैथ में ही है, आप वो दवाइयाँ छोड़े नहीं, लगातार लेते रहें जब तक आपके डॉक्टर आपसे कहते हैं, लेकिन उसकी मदद के लिए आप एक नुस्खा ले सकते हैं। देखिए, आंवला, धनिया और सौंफ, ये 3 चीज़ों का पाउडर बनाएं हम वज़न लेकर, यानी सबकी मात्रा एक सी हो, 100-100 ग्राम लेना है, तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम, इसका पाउडर बना लें और एक चम्मच इसको रात को सोते समय खाया करें, और एक चुटकी में जितना नमक जैतून आए, नमक जैतून एक ऐसा विशेष नमक है जो स्वाद में नमकीन नहीं होता, वो एक चुटकी 2 गिलास पानी में डालें, 1 गिलास में नहीं 2 गिलास पानी में, मिक्स हो जाता है आसानी से, और ये नमकीन भी नहीं होता, पानी का स्वाद भी नहीं बदलता। एक चम्मच वो जो पाउडर मैंने आपको बनाने को कहा वो खाकर ये पानी 2 गिलास पी लिया करें, और डॉक्टर की दवा जारी रखें और हमसे संपर्क में रहें, अपना फ़ायदे के बारे में हमें हर महीने 2 महीने में बताते रहें। तो बिल्कुल सर, हर एक उस बात पे गौर करिएगा जो हकीम साहब ने अभी आपको यहाँ पे बताई है, क्योंकि देखिए आपका ठीक होना बहुत ज़रूरी है, और जैसा कि हकीम साहब ने कहा है कि डॉक्टर्स ने जितनी भी मेडिसिन आपको बताई हैं वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है। देखिए उसके साथ साथ आप नुस्खा अपना सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट किसी भी नुस्खे का नहीं होता है, कोई भी रॉ मटेरियल आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देता है, अगर आप हर एक नुस्खा वैसे ही अपनाते हैं जैसे बताया जाता है। तो आप लोग भी हकीम साहब से बात कर सकते हैं, कीमती नुस्खे जान सकते हैं, ऐसे नुस्खे जो आपको कहीं सर्च करने पर भी नहीं मिलेंगे, बेशक आप लोग गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, आपको नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि अपने अनुभवी नुस्खे, हर एक वो नुस्खा जो आपको इतना फ़ायदा पहुंचाता है कि आप खुद यहाँ पे कॉल करके बताते हैं कि बस अब हम यही नुस्खे आगे भी अपनाएंगे अगर हमें कोई रोग हो जाता है, तो एक विश्वास रखिएगा कि हमें ठीक होना है तभी आप लोग बेहतर हो सकते हैं। कार्यक्रम लाइव है, दर्शकों लाइव आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगले कॉलर हैं, स्वागत है आपका। स्वागत है सर आपका। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नैन सिंह, हकीम साहब को भी आदाब। जय हिंद, स्वागत नैन सिंह जी। मैं 74 ईयर का हूँ सर। ये मेरे सिर में जो है ना खुजली सी धापड़ जो है बहुत, कई महीने हो गए बल्कि सिर में खुजली लगती है, और फिर दाने दाने से होते हैं मोटे मोटे, जैसे जितनी वो खाली ऊपर आते जाती है। ठीक है, कोई दवा खा रहे हैं क्या? दवा उसके लिए मैं अलसी और गोंद मोरिंगा तभी बता दिया आपने, वो और अलसी और
खाने वाला सोडा एक चुटकी भर, और दवा क्या हो जाए उसके लिए, क्या वो वैसी वो खुजली भी लगती है, फिर ये हो जाता है। दूसरा सवाल है सर मेरा, ये मिसेज को मैं कई दिन से दवा खिला रहा हूँ जिसकी स्किन डिजीज जो होगी उसमें बहुत मोरिंगा सफेद और अलसी और आंवला ये चीज मिला के, और वो कुछ कलर तो चेंज हो गया, लेकिन उसमें कितने दिन तक और खिलाना पड़ेगा जब तक, अभी थोड़ा सा चेंज हुआ लेकिन वैसी है वो, क्या उसमें परहेज क्या करना चाहिए, परहेज तो नहीं हो रहा कहीं गड़बड़। ठीक है जी। अच्छा, परहेज करने की जरूरत नहीं है और स्किन का रंग चेंज हो रहा है ये आसानी अच्छी बात है। यूनानी थोड़ा देर में फ़ायदा करती है, संयम वाले रोग इसे पूरा कर पाते हैं, और ये आप देते रहें, पानी से दें या कम चर्बी के दूध से दें, और आप भी लेते रहें जो नुस्खा ले रहे हैं। और आप अपने सर में, जो हमारी महिलाएं देखिए पत्नी भी आपके ऐसा ज़रूर करती होंगी कि दूध की मलाई जमा कर करके घी निकाल लेते हैं, वो घी अपने सर में लगाया करें और दो चार घंटे लगा रहे, और फिर आप गुसल कर लें, नहा लें, स्नान कर लें, तो दो चार महीने लगातार इस्तेमाल लाजमी है यूनानी में। अगर पहले भी फ़ायदा हो जाए तो कोर्स पूरा करना चाहिए, जितना आपको डॉक्टर बताएं आपको फ़ायदा मुमकिन है। और 74+ में आपकी आवाज़ बड़ी करारी है, और यकीनन आप मजबूत इंसान होंगे या रहे होंगे। मैं दुआ करूंगा कि भगवान आपको जल्दी अच्छा कर दे।